अस्सलाम वालेकुम। एमक्यूएम कराची में एहतजाज कर रही है कि इसके लोगों को, इसके कारकुनों को गायब किया जा रहा है और तहफ़ुज़े पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, जिसका इतलाक अभी कानून की शक्ल में होना बाकी है, एक्ट अभी बनना बाकी है, अभी एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में वो जारी हुआ था, तो एमक्यूएम वाले कहते हैं कि इनके लोगों को पहले से ही कराची में गायब किया जा रहा है। और मावराए अदालत कत्ल, जिसकी एक तशवीश की शक्ल हमें नज़र आती है कि इस कानून में उसको लीगल कवर मिल जाएगा, वो कहते हैं कि हमारे कारकुनों को कराची में ऐसे ही मारा जा रहा है। ये एक आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक होगा। और दूसरा होगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकला ने एक दरख्वास्त दायर की है और जो प्रोक्लोमेशन ऑफ एमरजेंसी ऑर्डर था उनका नवंबर 2003 का, जिसके अंदर वो कहते थे कि वेयर एज द सिचुएशन हैज़ बीन रिव्यूड इन मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, फोर प्रोविंसेस एंड विद चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, वाइस चीफ और इस तरीके से कोर कमांडर्स और पाकिस्तान आर्मी, इसके साथ वो कहते थे सिचुएशन को रिव्यू किया। और फिर अगले पैरे में वो जाके कहते हैं कि आई जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मैंने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान में एमरजेंसी का निफाज कर दें। तो उन्होंने, उनके वकला ने एक दरख्वास्त दायर की है कि उन्होंने अकेले तो ये काम किया ही नहीं है, वो साथ प्राइम मिनिस्टर और फौज से मशवरा किया गया था, तो उन लोगों को भी साथ बुलाइए। किसी अकेले का किसी भी जुर्म में जो भी इर्तकाब किसी ने किया हो, उस अकेले का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके बैटर्स का साथ ट्रायल होना लाजमी है। तो ये केस जो है बड़ी एक अहम रुख इख्तियार कर लेगा जो भी कोर्ट इसके ऊपर फैसला ले। फौज के बहुत से जो सीनियर अफसरान हैं, जो उस वक्त कोर कमांडर्स थे या वॉइस चीफ थे या मुख्तलिफ इंटेलिजेंस आउटफिट्स को हेड कर रहे थे या गवर्नर्स थे या उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़, वो खुद जनरल साहब कह रहे हैं कि मैंने उनसे मशवरा किया था, उनके मशवरे पर यह काम किया और फिर पार्लियामेंट ने उसकी तौसीक की थी एक करारदाद के ज़रिए, तो उन सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो ये केस कहाँ पहुँचेगा, इसके ऊपर भी आज हमें बात करेंगे। एक सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ करारदाद भी पास की है और उस करारदाद का मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो इंतखाबात से लेकर आज तक की तारीख में सेनेट गए नहीं, जो ईवान बाला है पाकिस्तान का, वहाँ वो तशरीफ़ लेकर ही नहीं गए। इसी तरीके से चौधरी निसार साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो भी सेनेट में नहीं गए, बल्कि उनके मिनिस्ट्री के एक अफसर ने सेनेट वालों को ये ख़त लिख दिया था एक कमेटी को कि आप बार बार मीटिंग मत किया करें, महीने दो महीने बाद एक दफ़ा मीटिंग किया करें, फिर आके आपको बता देंगे हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्टेम्प्ट वाली शक्ल नज़र आती है कि एक मुंतखब जो लीडर है हाउस का और दूसरी तरफ जो होम मिनिस्टर है, वो सेनेटर्स को ये बताना, ईवान बाला को ये बताना ही पसंद ना करें कि वो मुल्क के अंदर उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं और किस तरीके से उनको डील कर रहे हैं। तो सेनेट की करारदाद ये कहती है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा आएंगे और उनके सामने आके बताएंगे कि आपकी पॉलिसीज़ क्या, उनके सवालात के जवाब देंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लाजिम तो नहीं है, बाइंडिंग तो नहीं है इसके ऊपर अमल दरामद करना, लेकिन सेनेट की जानिब से मेरे लिए बज़ाहिर मुझे ये लगा कि एक अच्छी मूव है कि जिस प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद एहसास नहीं हो रहा, उसको एहसास दिलाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की गई है। इन मौजूदात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईमुल हक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैनिटर मौलाबख्श चांडियो साहब, PMLN से परवेज़ मलिक साहब, तीनों को खुश आमदीद कहता हूँ। कराची से हमारे साथ हैं वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो एमक्यूएम का एहतजाज है सिंध असम्बली में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी। आप लोग कह रहे हैं कि आपके लोगों को मारा जा रहा है। एमक्यूएम ने ही सबसे पहले कराची में ऑपरेशन का मुतालबा किया था, एहतजाज करने वालों में भी पहल आप कर रहे हैं, क्या वजूहात हुई, कहाँ चीज़ें जो थी वो ट्रैक से हट गई? नदीम साहब, देखें, अगर पिछले 3-4 माह में देखें आप जो कराची के हालात हैं और ख़ास तौर पे एमक्यूएम जिस हालात पे आवाज़ उठा रही है वो मीडिया में रिकॉर्ड पे हैं। हमारी मीटिंग्स बारहा हुई सूबे के लेवल पे भी और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे एंड इंटीरियर मिनिस्टर लेवल पे, उनके सामने भी कराची के हालात रखे और वो ज्यादतियाँ सामने रखी। आपने जैसे कहा कि हमारे ही कहने पे ऑपरेशन हुआ, बिल्कुल उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट के साथ आए यहाँ, इंटीरियर मिनिस्टर साहब आए, मीटिंग्स हुई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को उस कप्तान बनाया गया कि ओवरसी करें कि यहाँ जो टारगेट एक्शन हो रहा है वो सही तरीके से हो। मगर आज जिन हालात से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गुजर रही है और ख़ास तौर पर कराची शहर के रहने वाले लोग, यहाँ सादा कपड़ों में और बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में लड़कों को उनके इलाकों से उठाया जा रहा है, जिसमें उनके घर वाले गवाह हैं, मोहल्ले के लोग गवाह हैं कि ये लेके जाया जा रहा है इनको। फिर बदकिस्मती से बोलते हुए भी अजीब लगता है नदीम भाई कि कॉल्स आती हैं फिर 2-4 दिन बाद किसी एक जगह से कि जो लोग रिलीज करने वाले लोग हैं, तो वहां से कॉल्स आती है, नंबर रिकॉर्ड पे हमारे पास, कि इतने पैसे दे दें तो रिलीज हो जाएंगे या हल्का केस बनाएंगे। फिर
फिर फिर थाने भी छोड़ा जाता है। वो कौन सी एजेंसी थी जिसके लोगों ने पैसे मांगे थे? ऑन एयर बोलिए उसका नाम, किसने पैसे मांगे थे ताकि वो रिस्पॉन्ड देखे। मैं नदीम भाई सुने, मुझे अगर पता होता ना नाम तो मैं घबराता नहीं हूं, मैं आपके प्रोग्राम में बोलता, मगर सादा कपड़ों में आपके पास नंबर बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। हम हुकूमत को देंगे, दिए भी हैं, लिस्टें भी प्रोवाइड की हैं। मेरी बात सुन ले नदीम भाई, जो मैं बताना चाह रहा हूं प्लीज। मैं यहां सियासत नहीं कर रहा, दरमियान में वो नंबर मुझे दे सके तो मैं उसे स्क्रीन पे डाल दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा जुल्म हो रहा है कि कोई सरकारी अभी मैं वो नंबर देना भी खड़ा नुकसान करूंगा, अभी वो नंबर मैं नहीं देना चाहूंगा। मैं एक जो लोग हैं यहाँ जिम्मेदार सूबे के, मैं उनको भी दूंगा, उसके बाद आपको भी दे दूंगा। मैं देखें, पॉइंट ये नहीं है, मैं यहाँ पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई सियासत कर रहा हूं, ये फैक्ट्स बता रहा हूं। चांडियो साहब बैठे, मैं जानता हूं बहुत अच्छा आदमी है ये सियासी कारकुन है, ये तो ये दर्द समझते होंगे मेरा। मैं उन फैमिलियों से मिलता हूं जिनके बच्चे उठे हुए हैं, 18 लड़के आज भी मिसिंग है पीपीओ पे 90 दिन वाले केस में, और उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, उनकी बीवियां 90 पे बैठे हैं, परेशान हैं कि वो बच्चे कहां हैं। कुछ की लाशें मिल गई हैं जिनको दफना दिया गया है, काफी मिसिंग हैं, कुछ जो वापस आए वो टॉर्चर्ड हैं। तो मैं भाई आवाज नहीं उठाऊंगा तो क्या करूं? मैं तो सूबे के जिम्मेदारों के सामने अपनी इल्तिजा रखूंगा। हमने डीआईजी को भी फोन किया, हमने आईजी को भी फोन किया, कोर्ट अपना जो डीजी रेंजर्स है वो यहां है नहीं मौजूद, वो कहीं शहर से बाहर गए हुए हैं। डिप्टी डीजी के भी नॉलेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, चीफ मिनिस्टर साहब, जितने भी यहाँ लोग हैं सिंध के, उनकी नॉलेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज्यादतियां हो रही हैं हमारे साथ, हम पिटीशन लगा रहे हैं। चांडियो साहब की जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो पीपीओ की भरपूर मुखालफत कर रही है और कहते हैं कि मैं नदीम भाई एक मिनट ठहर जाए, नदीम भाई मेरी बात खत्म नहीं हुई, ये कह रहे हैं कि मुझे पता है, मगर जी मगर चांडियो साहब की जमात सेंटर में तो अगेंस्ट है इसके, सेनेट में और नेशनल असेंबली में, मगर अफसोस वो पीपीओ सिंध में इंप्लीमेंट हो रहा है, कराची में खास तौर पे इंप्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं हो रहा, दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं हो रहा, सियासी कारकुनान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है वो। तो मैं आता हूं वसीम साहब, आपका जवाब चाहिए। देखिए यहां तो मुखालफत है और वहां आप इतलाक कर रहे हैं। नहीं, इतलाक की बात नहीं, अगर कानून नाफिज हो जाए तो पूरे मुल्क में, ये तो कभी नहीं होगा। नून लीग की तो हमारी हुकूमत है नहीं, किन्ने प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पीपीओ के तहत उठाए हुए। मैं अभी बता रहा हूं, मैं कहता हूं कि हमारी नून लीग की तो हुकूमत है नहीं, कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते तो उनका इस्तकबाल भी नहीं करेंगे, उनका हुक्म नहीं मानेंगे, उनके कानून पास के ऐसा तो है नहीं। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर कोई कानून है उसके। और दूसरा, वहाँ जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो सिंध हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं कर रहा, वो वही लोग हैं, वो वही मेहरबान हैं जो वफाक के मातहत हैं और जिनको लाने में इन्होंने बड़े मुतालबे किए थे, आपने दुरुस्त कहा है। लेकिन पुलिस भी तो है ना, पुलिस और रेंजर्स पुलिस भी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, किसके अंडर में हो रहा है? वजीर दाखला निगरानी कर रहे हैं, सारा मामला कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को मैं अलग नहीं कह रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू से ये बुराद नहीं है कि सिंध हुकूमत का उनकी जिम्मेदारी है। इस किसी की शिकायत है कि तहफ़ पाकिस्तान जो है जिसका जिसके नाम से ही मुझे इख्तलाफ है, जो वसीम अख्तर साहब शिकायत कर रहे हैं, आप उनकी शिकायत से मुतफिक हैं? उनकी उनकी तलाफी करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, दुरुस्त है तो ये अच्छी बात नहीं है कि लोग गुम हो जाए, कानून के कटड़े में उनको लाए करें। लेकिन मैंने कहा था कि ये आप अब जो मुतालबा, मैंने चैनल्स पे कहता था, इन दोस्त बैठे थे, मैंने कहा ये जो मुतालबा करें आप ही शोर करेंगे कि ये जुल्म हो रहा है। अब रहा सवाल कि हमारी हुकूमत, मुझे शिकायत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुन को गिरफ्तार किया गया है, बहुत सारे लोगों पर टॉर्चर हुआ है, लोगों का पता नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? हम हुकूमत कर रहे हैं, रियासत है, कानून है, तो हमें सब्र करना चाहिए। हमने मुतालबा किया था जनाब, अपना माल कायम करना चाहिए, जहां इतने बड़े पैमाने पे एक्शन होगा, जहां जिसको ऑपरेशन कहते हो वहां तो सही। अब सिंधी में कहते हैं कि सूखों के साथ गीले भी जल जाते हैं, या तो आपने ऑपरेशन का मुतालबा, और बेरहम ऑपरेशन, ये तो आप जुमला तो याद करें उस जमाने में कि बेरहम ऑपरेशन तो जनाब ऐसा ही होगा। मैं इस दर्द में साथ हूं, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी मैं उसकी हिमायत करता हूं। लेकिन परवेज मलिक साहब, आपसे पूछ लूं मैं, मुझे काफ़ी थोड़ी सी तशवीश है चांडियो साहब के जवाब के ऊपर भी और जो कुछ हो रहा है मामला उसके ऊपर भी। नून लीग की हुकूमत ने अपने सदर के जरिए वो ऑर्डिनेंस जारी करवाया था, कौमी असम्बली पास कर चुकी है, सेनेट के सामने अभी आना बाकी है। अगर उसी कानून के तहत ये हाल है जो वो बयान कर रहे हैं, अगर ये 100% रियलिटी है, चांडियो साहब भी उस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं बेरहम ऑपरेशन ऐसे ही होगा, तो फिर तो कल को मेरी जिंदगी पे महफूज नहीं है। ये नईम साहब साथ बैठे हैं, इसमें दो बातें हैं।
एक तो आपने सिंध के लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो वो आपके इल्म में है कि जी वो सूबाई गवर्नमेंट का उनके फ़राइज़ में शामिल होता है, मगर हमने एज मरकज़ हमने उनको फुल सपोर्ट अपनी एक्सटेंड की हुई है और उनकी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, जिस आईजी की ज़रूरत हो, जिस किस्म की मैन पावर हो, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डायरेक्टली हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा बात जो आपने पीपीओ कहा कि वो एक बड़े स्पेशल हालात में उसको किया गया है, जहाँ ये इतनी ज़्यादा ये आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर उसमें है, मगर मैं आपको यकीन से कहता हूँ आज तक 2 या 3 पर्चे FIRs हुई होंगे जिसमें PPO इन्वोक हुआ है। अभी तक PPO में उस तरह की इन्वोक नहीं हुआ, 2 या 3 है टोटल। वो कह रहे मेरे 18 लोग लेंगे PPO के, 18 लोग हैं, मगर पर्चा एक ही शायद हो, या मुझे नहीं पता, या वो उनको कोई गलतफहमी हो रही हो, वो एक्चुअली PPO के तहत वो FIR ना हो, किसी और जुर्म के तहत वो FIR, जैसे पहले नॉर्मल जुर्म चल रहे थे। तो ये एक मखसूस हालात के लिए है। कुछ तजादात की बात कर लूँ, नहीं वो अब्बासी साहब थे मेरे साथ, उन्होंने बातें बड़ी अच्छी की, लेकिन कुछ इश्यूज हैं वहाँ पे फाटा एरियाज में जहाँ गढ़ है सारा दहशत गर्दी का, वहाँ इस कानून का इतलाक नहीं होता, वहाँ FCR लगा हुआ है। कल हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें वो FCR में गुंजाइशें मौजूद हैं ना, वही FCR में करिए ना फिर आप पूरे पाकिस्तान को, तो फाटा दाना बनाइए आप। तो इस्लामाबाद में ये नीचे नाका लगा हुआ पुलिस वाला अगर गाड़ी गुजारते हुए उसको शक पड़ जाए मेरे ऊपर, तो अभी 2 या 3 से ज्यादा FIR, लेकिन आप उस लीगल कवर दे रहे हैं उस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को, मुझे इस पे तशवीश नहीं। देखिए वो तो सब्जेक्ट टू ट्रायल है, सब उस अदालत में मारते हुए ट्रायल होगा, नहीं अदालत में जाएगा, पहले पूछेंगे नहीं, 3 मिनट तो बताएंगे भी नहीं कि है कहाँ वो, तो नहीं, नहीं, पहले तो वो सीधा गोली मारेगा ना कि हाँ। नाके से गुजर रहा था गाड़ी लेके, मुझे शक हुआ इसमें बम था, मैंने इसे गोली मारी, शक था, मैंने सर खुदा ना खास्ता इस तरह की इतलाक नहीं, गुंजाइश है उसके अंदर, आपके कानून के अंदर गुंजाइश है। सर ये तो इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए, विटनेसेस को करने के लिए, जजेस को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप किलिंग की गुंजाइश नहीं पैदा करते। किलिंग तो मैं कब कह रहा हूँ, सर ऐसी उसमें कैसी बात नहीं है, उसमें उसमें आपको एक्सटेंडेड रिमांड की प्रोविजन है 90 डेज, तो खैर वो आप दे रहे हैं और जो भी वहां जाके तफ्तीशी अफसर कह देगा अदालत उसे क्वेश्चन नहीं करेगी। इन हालात को जो कई सालों से हालात खराब है उनको ठीक भी करना है, नहीं सर आपने उसको किसी तरफ लाना है और फिर इंसाफ भी उसमें नजर आएगा। पीपीओ के तहत हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून का इतलाक हो, अदालतों से सजाएं मिले लोगों को, जो लोग भी जराइम में मुलव्वस हैं, गले काटने वाला वो 23 वाला जिससे पीस टॉक्स हुकूमत कर रही, मैं चाहता हूँ कि उसको भी उसी कानून के तहत सजा मिले। जनरल सनाउल्ला नियाज़ी को जिसने असैसिनेट किया उसे भी सजा मिले, लेकिन कराची में तो एक बंदे को या लाहौर में एक बंदे को उठा के आप पीपीओ के तहत बंद कर दें, या अगर उसको नाके से गुजरते हुए शक पड़ गया कि बंदा ठीक नहीं, चादर के नीचे पता नहीं इसने क्या दबाया होगा, गोली मार दे उसे। देखिए मैं समझता हूं कि मैं इस पूरे पीपीओ का इतलाक फाटा पे नहीं होता, ये हमें बार बार रिमाइंड कर लेना चाहिए कि वहां FCR है, ये पीपीओ हमारे लिए उसके लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि इस मसले को एक बहुत ही मुख्तलिफ जाविये से देखने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि अगर शुरू ही से पाकिस्तान जब आजाद हुआ था सही मानों में कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में नाफिज कर दी जाती और 2 जो बुनियादी एक्ट थे, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अगर उन पर बाकायदगी के साथ जो हमारे जो फौजी हुक्मरान आए या सिविलियन हुक्मरान आए वो अमल करते तो ये तहफ्फुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस की ज़रूरत आज नहीं होती। नंबर एक, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमने जो असली कवानीन थे, जो कानून की हुक्मरानी थी, उसको हमने नज़रअंदाज करके हुक्मरानों का कानून पाकिस्तान में नाफिज करने की कोशिश की, पिछले 30-40 साल की बात कर रहा हूँ, और यही वजह है। और जो वसीम भाई ने जो भी कराची की बात की, ये कोई नई बात नहीं है, 20 साल पहले भी ये वाक़यात हो रहे थे, 25 साल पहले भी ये वाक़यात हो रहे थे, मगर हमने देखा कि इस मसले की हल की जानिब कभी भी सही मानों में कोई पेशरफ नहीं हुई। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पुलिस का निज़ाम जो कराची में या पूरे पाकिस्तान में नाफिज है वो फेल हो चुका है, मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। मेरे वालिद मरहूम खुद पुलिस में थे और मैं तो बचपन में, मुझे कुछ ऐसी बातें याद हैं, पुलिस का जो कल्चर है, जो पुलिस का जो कल्चर है वो इस हद तक नाकस हो चुका है, इस हद तक बिगड़ चुका है, और पुलिस के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इस हद तक खराब हो चुके हैं कि मुझे सही मानों में ये पुलिस का निज़ाम कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। मुझे इस मुल्क में आप कहना क्या चाहते हैं कि क्योंकि पुलिस नाकाम हो गई इसलिए पीपीओ जस्टिफाइबल? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ पीपीए को, मैं तो कह रहा हूँ पीपीओ को, मैं तो कह रहा हूँ कि सिविल वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है अगर उसी पे सही मानों में अमल हो जाता, एक कानून मौजूद है आप उठा के देख ले, टांडे साहब वजीर कानून रह चुके हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे,
अगर वो सही मानों में कानून की हुक्मरानी इस में कायम हो जाती तो पीपीओ की जरूरत नहीं। असल में मसला है, अगर एमक्यूएम का बंदा है या वो लियारी गैंग वॉर का जिसे पीपल्स पार्टी से जोड़ा जाता है उनका कोई बंदा है, मैं चाहूंगा कि उसे उस अदालत से सजा मिले, उसे सड़क के ऊपर खड़े हुए गोली ना मारी जाए या रात के अंधेरे में कहीं ले जाकर आप उसको बोरी में बंद करके ना फेंके। 25 साल में माफ कीजिए, एक सेकंड, के तहत अदालतें तो बनी है ना, उनकी ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन हुई है, उनकी उनकी पावर्स डिफाइन हुई है, उनकी सिलेक्शन का प्रोसीजर डिफाइन हुआ है और वो इंसाफ देने के लिए हुई है। सिर्फ ये है कि वो एक्सक्लूसिवली उनको देखेंगे, उनके पास ज्यादा टाइम होगा उनको। लेकिन परवेज साहब, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट वालों को तो आपने गुंजाइश जो दो पैदा की है ना, 90 दिन बंदा गायब करने की और शक की बुनियाद के ऊपर गोली मारने, सर गायब कहीं नहीं होना और शक की बुनियाद के ऊपर यह राती मराकज में पड़े हुए हैं ना आपके, गायब ही हुए हैं सर। वो देखिए हमारी सर जमीन पर ही मिसिंग है, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो एक्टिविटी है वो एक अलग चीज है, मगर हम पीपीओ की अगर बात करें सर उसे लीगल कवर मिल जाएगा। परवेज मलिक साहब आप पता नहीं उसे हमने ऐसा माहौल तो नहीं बनाना, हमने तो उसको बनाना जिसने कोई जुर्म किया, किसी ना जुर्म करने वाले आदमी को सजा देना। नदीम भाई, एक बात साहब कुछ कहना चाहते हैं, इस कानून से देखें इतना आसानी से ये कह रहे हैं कशफ हासिल हो जाएगा, इतना ये आदमी जा रहा है और ये दहशतगर्दी के जा रहा है, जिनके लिए कानून बनाया है उनसे तो इंशाल्लाह बातचीत आपकी कामयाब हो जाएगी। तो ये कानून बना किसके लिए, क्यों गरीबों के लिए, पहले क्या कम कानून है, पहले भी आर्टिस्ट मौजूद थे। साहब आपके ऊपर शक पड़ जाए, आपने ऊपर बड़ी सी चादर सिंधी चादर ओढ़ी हुई है तो नीचे आपने पता नहीं क्या पहना हुआ है, आईन का क्या करेंगे, आईन का क्या करेंगे, आईन के साथ जो वायलेशन हो रही है, आईन को जो तोड़ा जा रहा है, सजा क्या, रोशन क्या लोगों की पार्टी कहलाते हैं, आपका मौकिफ दुरुस्त नहीं है, आप हिमायत कर रहे थे, मुखालफत कर रहे नदीम भाई, ये मेरे भाई जो आपको मुखालफत करे इस कानून की 90 डेज को जो डिफेंड किया जा रहा है यहाँ, मुखालफत कर रहे हैं, सुने की हमने कमीशन ने मुखालफत की है, खुलकर मुखालफत। परवेज मलिक साहब गवाह हैं कि हमारी पार्टी ने पीपीओ को सपोर्ट किया, बुनियादी हुकूम के खिलाफ वर्जी है जनाब। हमें असेंबली वसीम साहब, आप क्या कह रहे हैं इनकी बात, देखें भाई हम 90 डेज को जो डिफेंड किया जा रहा है यहाँ, उसमें आईन को कहां रखेंगे, आईन को कैसे देखेंगे, वॉयलेशन है ह्यूमन राइट्स की। मैं यहां जो भी मेरे साथी हैं, मैं बड़े अदब के साथ, अगर इनका बेटा 90 दिन के लिए गायब कर दिया जाए तो क्या गुजरेगी आप पे, फिर मैं देखता हूं कि हाँ उनको तसल्ली से वो करने दे इन्वेस्टिगेशन। इट्स अ मैक्सिमम टाइम, आप जब किसी को गिरफ्तार करेंगे आप उसकी असेसमेंट आपको पहले 2-4-6 दिन में हो जाती है, उसके बाद आप उसको, मगर सुने आपका वकील नहीं मिल सकता उससे, उसको आपके घर वाले नहीं मिलेंगे उससे, इनको पता नहीं है मेरे ख्याल में, आपके घर वाले नहीं मिल सकते उससे, आपका वकील भी नहीं मिल सकता उससे, तो ये मिसिंग पर्सन पे तो आप शोर मचा रहे हो, तो ये भी मिसिंग पर्सन है। वो सीवियर टाइप के जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ तो कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना, उनके ऊपर तो लागू ही नहीं होगा, ये ऐसे नहीं कर सकते आप, दिस इज अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जिसमें उनसे तो इंशाल्लाह बातचीत कामयाब हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिमांड का लिखा तो नहीं ना, रिमांड वगैरह तो सीआरपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा। फिर आपको पता नहीं है मेरे ख्याल में सर, फिर आपको पता नहीं है 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना है आदमी मजिस्ट्रेट के पास, तो 24 घंटे में आईन कहता है कि आपको पेश करना है जनाब, तो सीआरपीसी कहां से आई है, इंग्लैंड से थोड़ी आई है, इसमें आईन में तो ऐसा कुछ, इंग्लैंड की तो नहीं है ना, पाकिस्तान की है, तो मैं कोर्ट में तो चैलेंज कर सकता हूं आपको मैं कि आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाओगे उसे, चालान पेश करोगे, दीज आर स्पेशल कोर्ट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल लेजिस्लेचर। ये कोर्ट्स कौन बनाएगा, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, जुडिशरी की मर्जी, लिखा नहीं हुआ आपके पीपीओ, जुडिशरी की मर्जी के साथ बनेगी, गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी और उसको गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी पैनल, और उसमें चले अल्लाह खैर करे, माजी में इन्होंने बनवाया था, ये खुद ही फिट हो गए थे उसके अंदर। अभी तक ये हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उनमें से जजेस नॉमिनेट करके उनको ये पावर्स टेम्पररीली असाइन कर, आपके कानून जो कौमी असेंबली पास कर चुकी है सेनेट से, तो उसका जो भी मुकद्दर बना है बात की बात है, उसके अंदर ये प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है सर, ऑर्डिनेंस में है ना, जो ऑर्डिनेंस पहले ऑर्डिनेंस के तहत ये चल रहा है, अभी इस लॉ के तहत तो चल नहीं रहा। कौमी असेंबली ने जो पास किया है सर वो तो अभी पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम सेनेट, और उसके बाद पास तो कौमी असेंबली ने कर दिया ना, सेनेट पास कर दिया एज इट इज, तो एज इट इज कानून बन जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो सेनेट पास करेगा उसके मुताबिक हो जाएगा। वसीम साहब ये फरमाइएगा कि सर मैं तो ये वाहिद आदमी, इतलाक होना चाहिए, सजाएं होनी चाहिए मुजरमों को, लेकिन क्या कोई ऐसा लीगल कवर भी मिल जाना चाहिए कि शक की बुनियाद के ऊपर, वसीम साहब पे शक पड़े तो वसीम साहब के, मुझे तो हंसी आ रही है, मुझे तो हंसी आ रही है कि एक तरफ तो दहशतगर्दों को छोड़ा जा रहा है, एक दफा 19, एक दफा 13,
और यहां शहरियों के साथ 90 दिन का उनको मिसिंग पर्सन बनाया जा रहा है, शूट एट साइट बनाया जा रहा है, कर देंगे वो उधर डर लगता है आपको जाते हुए कसूरवार हूं। यस वहाँ भी कानून है भाई, वहाँ भी कानून के मुताबिक हो रहा है, वहाँ कानून नहीं है। मैं आपको बता, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं वहाँ कानून नहीं है, तो आप खौफ ज्यादा उनसे इसलिए पोजीशन कर रहे हो। वहाँ सिविल एड के लिए उनके पास पावर्स है टू डिटेन पीपल, आप खौफ ज्यादा हो उनसे इसलिए उनके साथ टेबल पे बैठ रहे हो। कहीं पकड़ते हैं जुर्म 10 करते हैं, 700 आदमी पकड़ा जाता है, उसकी स्क्रूटनी होती है, वो इन एड ऑफ सिविल पावर में उनके पास डिटेंशन की पावर। माजी में आपकी पार्टी ने ये कानून लागू किया था, हमसे गैर कानूनी काम करेंगे, हमसे तवक्को ना कीजिए, आप हमसे ज्यादा सयाने हैं, मगर हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। आपको ये नहीं लगता प्रवेश गैर कानूनी काम तो कर रहे हो आप, किस कानून के तहत उनको रिलीज कर रहे हो एक मर्डरर को? सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं डिटेंशन ऑर्डर आप मेरे से चेक कर लीजिए, वो FCR की वो एक रेगुलेशन है, उसमें इन एड ऑफ सिविल पावर वो मांग सकते हैं फोर्सेस ने, उसके तहत उनको डिटेन कर सकते हैं फॉर स्क्रूटनी। डिटेन करने का मतलब लाशें मिल रही नहीं होता, बार सड़क से लाशें मिल रही है भाई, जुर्म कसूरवार हो वो नहीं छूट सकता आज तक। और मेरे भाई कराची में लाशें मिल रही हैं, अरेस्ट होता है फिर 3 दिन बाद सड़क पे लाश मिल जाती है, ये कौन सा कानून है? जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल चीजों की मैं जिक्र नहीं कर रहा ना, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। जो कराची में आप कह रहे हैं कि आपके वर्कर्स को मारा गया, अल्लाह आप पर रहम करे, कि उसमें कोई मुखालिफ ग्रुप इन्वॉल्व है या उसके अंदर किसी लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे का आपको रोल जो है वो ज्यादा बुरा लग रहा है? नदीम साहब इस ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत सिंध की है कि वो फाइंड आउट करे। हमने अपनी शिकायत सामने रखी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे लड़के उठाए जा रहे हैं, हमारे 18 लड़के मिसिंग हैं, मिसिंग समझते हैं ना, जिस पे नून लीग भी शोर मचा रही है कि मिसिंग पर्सन्स कहाँ हैं, कोर्ट में लेके आओ, तो हमारे भी मिसिंग हैं, वो भी किसी की औलादे हैं, तो हम सूबे सिंध को पे सवाल रखते हैं कि हमारे पार्टी के लड़के अगर कोई क्रिमिनल है उसे बिल्कुल कोर्ट में लेके जाएं, मगर ये तरीका नहीं है, ये जंगल नहीं है, हम जंगल नहीं बनाना चाहते, ये आईन के खिलाफ है, ये काला कानून है, इस तरह नहीं होना चाहिए शहरियों के साथ। एक ब्रेक ले लेंगे इस नुक्ते पे, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से आते हैं। एक इंटरेस्टिंग रियलिटी ये है कि हमारे मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मिसिंग पर्सन केस में खुद एक फरीक है, और वो मिसिंग पर्सन कहाँ हैं, ये हरासती मराकज हैं KPK की सरजमीन के ऊपर, 7 या 8 हैं, ज़्यादातर मिसिंग पर्सन इन्हीं हरासती मराकज़ में मौजूद हैं, और जिनको हम कई सालों से कहते हैं कि लापता पाकिस्तानी कहाँ पर हैं, वो यहीं मौजूद हैं हमारी सरजमीन पर, लापता हैं क्योंकि वो किसी कानून के तहत हम उनको सजा देने की पोजीशन में नहीं है, जज भी गवाह भी वकील भी सारे डरते हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। नईम साहब आपसे आगाज करता हूं, पहले थोड़ा सा दूसरी खबर को डिस्कस कर लें, एंड करके दोबारा ये PPO की तरफ आ जाएंगे। जनरल मुशर्रफ वाला केस जो है वो स्पेशल कोर्ट के सामने, और आज उनके वकला ने 3 नवंबर का उनका इमरजेंसी का ऑर्डर जो था वो भी सबमिट कर दिया, और वहाँ जनरल मुशर्रफ की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सबमिट करवा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म और फौज के मशवरे से ये इकदाम उठाया था। ये 3 नवंबर की जो उनकी इमरजेंसी का ऑर्डर है इसमें भी वो लिखते हैं कि वेयर एज द सिचुएशन हैज़ बिन रिव्यूड इन मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर गवर्नर्स ऑफ ऑल 4 प्रोविंसेस एंड विद चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्म फोर्सेज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर्स एंड पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद वो कहते हैं कि आई जनरल परवेज मुशर्रफ मैंने ये काम कर दिया, तो अब क्या सिचुएशन बनेगी, सारों को तलब करना पड़ेगा? देखें अगर सही मानों में आइन की इंटरप्रिटेशन सामने लाई जाए तो तमाम लोग जो इस फैसले में बराह रास्त मुलव्वस थे उन पर भी मुकदमा चलना चाहिए, नंबर 1 चाहिए बराह रास्त। मगर ये जो स्टेटमेंट है मैंने एक लफ्ज पर गौर किया, आपने पढ़ के सुनाया कि रिव्यू किया उन्होंने, प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इन अपने साथियों के साथ क्या रिव्यू किया, फैसला रिव्यू किया या मुल्क की सियासी सूरत हाल रिव्यू की, ये हमें नहीं पता। ये इसी अगली लाइन में वो कहते हैं कि इन द परसुएंस ऑफ डिलिब्रेशंस एंड डिसीजंस ऑफ द सेड मीटिंग, वो इस मीटिंग की फैसलों की रोशनी में वो कहते हैं कि मैंने जनरल मुशर्रफ ने ये काम। मगर मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, माफ कीजिएगा स्पेशल कोर्ट में है, और ये उन कोर्ट्स का काम है, उसमें बड़े काबिल जजेस बैठे हुए हैं कि वो लेकिन इंसाफ का तकाजा क्या है, इंसाफ का तकाजा क्या है जी, इंसाफ का तकाजा क्या है? बैटर्स का लफ्ज तो आता है ना साथ के, बैटर्स भी साथ उसमें होंगे। ये जिम्मेदारी का तायुन करना जो है
یہ تمام حقائق سامنے رکھنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے، جو اس وقت میرے سامنے بھی نہیں ہے اور آپ کے سامنے بھی نہیں ہے. اگر عدالت کے سامنے لیگل مسئلے درخواست پیش ہوئی ہے، عدالت کا بنیادی فرض یہی ہے کہ وہ یہ جو ذمہ داری ہے اس اقدام کی، اس کا تعین صحیح معنوں میں کرے. اگر پرویز مشرف صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی انوالوڈ ہے، اور اگر عدالت سمجھتی ہے قانون کے دائرے میں اس کو آنا چاہیے، اس مقدمہ چلنا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا ان کا کام. پرویز صاحب سے پوچھتے ہیں یہ لیگل مسئلہ ہے، اس کے اوپر یہ ان کی اس وقت کی جو پارلیمنٹ تھی قومی اسمبلی نے میرے خیال میں اس کے اوپر ایک قرارداد کے ذریعے اس کی توثیق بھی کی تھی اس اقدام کی. آئی تھنک سو 3 نومبر 2007 کے بعد یہ میٹر پہلے سپریم کورٹ میں اینالائز ہوا ہے. 31 دسمبر 2007 والی ججمنٹ میں وہ ون لائنر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے انڈیویجول ایکٹ کیا، ایکسکلوسیولی انہوں نے ریلائی کیا ہے اس میں، جس میں آئی جنرل محمد آئی جنرل مشرف اس پہ ریلائی کیا ہے. سو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے تحت یہ جو چلان یا ہم نے جو سبمٹ کروایا کمپلینٹ وہ اس ڈائریکشن کو دیکھتے ہوئے کرایا. بٹ اب کورٹ کی جورسڈکشن واسٹ ہے. اب اس کو انصاف دینے کے لیے اگر جج صاحبان ٹریبیونل کے جو جج صاحبان ہیں جس کو بھی بلا سکتے ہیں تو یہ اب ان کی سولی ڈسکریشن ہے. لیکن میں آپ سے قانونی نقطہ سمجھ لوں، میرے پاس میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا انٹرویو کیا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں بات ہوئی تھی میرے اوپر بھی لاگو کریں. ایس ایم ظفر صاحب خود بہت بڑے آئینی قانونی ماہر ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے حوالہ دیا کہ یہ 29 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی تھی آن ایئر، میرے پاس ریکارڈیڈ ہے انٹرویو، یقیناً جب وہ کیس چلے گا تو وہ چیزیں دکھائی جائیں گی. تو 29 اکتوبر کی میٹنگ میں انہوں نے بندے بھی گنوائے، یہ بندے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں. تو اب وہ چیزیں جب ریکارڈ پہ آئیں گی تو عدالت کو تو سننا پڑے گا، پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جنرل مشرف آئی جنرل مشرف ہی سزا ہو، پھر تو بیٹرز کو ساتھ لانا پڑے گا. سر یہ عدالت کو اپنی ججمنٹ دینی پڑے گی اس میں، مگر کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن یا ایک فیصلہ جو آپ نے کہا، اس نے فوج کو پروٹیکشن دی، اس میں پروٹیکشن دے کر انہوں نے ایکسکلوسیولی ان پہ فوج کو پروٹیکشن دی، انہوں نے کہا فوج ایز انسٹیٹیوشن انوالو نہیں تھا، جنرل مشرف ایز انڈیویجول انوالو. اس کے ہوتے ہوئے جج صاحبان کیا ویو لیتے ہیں آئی ڈونٹ نو، یا تو اس کو بھی ریویو میں جانا پڑے گا. وہ بھی اس کو دیکھیں، صرف اس میں ایک جو حصہ ہے نا جو انہوں نے کہا پاکستان آرمی والا جو آخری ہے، یہ 5-6 بندوں سے مشاورت میں، وہ پاکستان آرمی کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ پروٹیکشن دے رہی ہے کہ فوج ایز انسٹیٹیوشن انوالو نہیں تھی. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ شوکت عزیز سے پوچھا یا نہیں، کور کمانڈر سے پوچھا یا نہیں. انہوں نے ریلائی کیا ہے آئی پہ کہ جی آئی. چانڈیو صاحب سے پوچھتے ہیں، چانڈیو صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جب ایسی باتیں سنتا ہوں تو بڑا دل دکھنے لگتا ہے. مظلوم علاقے کا آدمی گرفتار علی بھٹو تھا، اب بیٹ میٹ میں پھانسی دے دی ہے، نہ موقع پر ہے، نہ گواہ ہے، نہ کوئی بات ہے، اور سبلیٹ ججمنٹ. اور جو ابھی بھی تفصیل نہیں جا رہا، اب بیٹ میٹ میں ذوالفقار علی بھٹو ہے تو پھانسی دے دو. اب یہ طاقتور لوگ ہیں، دونوں طرف سے دیکھیں، حکومت میں بھی ہیں، کورٹ میں بھی بیٹھے ہیں، جن پہ کیس چلا ہے وہ بھی طاقتور لوگ ہیں، کوئی ان کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. اس بات کو چھوڑیں، یہ مجھے تو تکلیف ہو جائے گی، اب تفصیل میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک بات سیدھی ہے، یہ جان چھڑانے کی بات ہے. سب سے پہلے تو مشرف کے وکیلوں کو ان پہ کیس داخل کریں، پرائیویٹ کیس داخل کریں جنہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا، جنہوں نے ڈرافٹ کیا تھا، لانے کا مشورہ دیا کہ جاؤ آپ کہو کہ نجات دہندہ ہو. کسی کو طاقت نہیں ہو رہی تھی آئین توڑنے والوں کو نجات دہندہ بن کر آنے کی، یہ بڑے دانا اور دانشور تھے، قوم ان کی منتظر تھی، دیکھا نا لاکھوں نے استقبال کیا. تو پہلے تو ان پہ کیس داخل کریں. نمبر دو، بات یہ سیدھی ہے، اگر دائرہ بڑھائیں گے، آپ کو یاد ہے میں نام لے لیتا ہوں قصوری صاحب کا، قصوری صاحب ان کے وکیل ہیں مشرف صاحب کے، وہ ڈرا رہے تھے پنڈورا باکس کھلے گا، پنڈورا باکس کھلے گا، وہ یہی کہ آپ کے پروگرام میں بیٹھا تھا، پنڈورا باکس وہ یہی تھا نا، یہ جنرل کے نام آئیں گے ان کو بھی لے. جسٹس منیر ایک بدنما داغ بن گیا ہے عدلیہ پر، اور جس جج نے آئین کو تحفظ دی، آئین کے توڑنے والوں کو تحفظ دیا، آئین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت دی اور کہا کہ اختیار ہے اس آدمی کو کہ آئین تبدیل کر دے، ان کو بھی تو لانا چاہیے. وہ 56 تک تو آپ کو جسٹس منیر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس بینچ نے 3 سال دیے تھے جنرل مشرف کو 99 کے بعد، اب بھی بھلے ہیرو بنے، ان چاروں کو تو لانا پڑے گا. میرا تو وہ سائی ہے، لیکن اب بھلے ہمارے ہیرو بنے، لیکن جو آپ کر گئے ہو اس ملک کو دلدل میں پھنسا کے گئے ہو، اب کیسے جان چھوٹے گی آپ کی؟ وسیم اختر صاحب سے بھی کہتا ہے کہ دائرہ بڑھائے، لیکن میں کسی اب کورٹ میں کیسے میں صحیح کر نہیں، لیکن انصاف تو ہونا چاہیے، لیکن انصاف یہ ہے جیسے میں وہ کلنگ اوپر کہہ رہا ہوں کہ قانون لگنا چاہیے. اعلانیہ جو آئین توڑے ایک بار علامت ہی طور نہ کریں اس کو، وہ اچھا ہے، مضبوط آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، لیکن علامت طور کچھ تو بتائیں کہ پاکستان کی حکومت اور جمہوریت آئین توڑنے کو جرم سمجھتی ہے. ویسے تو آئین اور قانون کے اندر جو لکھا ہے اس کا اطلاق ہونا چاہیے، لیکن اسی طریقے سے اطلاق ہونا چاہیے جس طریقے سے آئین اور قانون میں لکھا ہے، اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. لمبی چوڑی بات. وسیم اختر صاحب، آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہے اس مسئلے پہ؟ جی میری جماعت کی پوزیشن آج کی نہیں، بہت عرصے سے بالکل کلیئر ہے
कि अगर इम्प्लीमेंट होना है आर्टिकल 6 को तो पूरा आर्टिकल 6 इम्प्लीमेंट हो, कोर्ट को भी उसी हिसाब में लेना चाहिए। देखें अब बड़ा हंसी आती है, चांडिया साहब सही कह रहे हैं, आज मौका मिला है, यहाँ सियासी सो कॉल्ड सियासी जमहूरी लीडरान बड़े नारे लगाते हैं जमहूरियत के और डिक्टेटर के खिलाफ और आमिर आ गया और ये वो, आज मौका मिला है जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरियत पसंदों को कि ये आर्टिकल 6 इन्वोक करें और वंस फॉर ऑल ये मामला क्लियर करें, जितने लोग मुशर्रफ के साथ थे सबको टांगें, सबको टांग दें ताकि आइंदा कोई हिम्मत ना कर सके। मगर ये सिलेक्टेड वो जो चल रहा है मामला केस, ये गलत है बिल्कुल, पूरे मुल्क में गलत तासुर आवाम में जा रहा है। मैं फौज मौज की बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी एक ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन हो सकता है जैसे एसएम जफर साहब ने ऑनियर एडमिट किया या चौधरी शुजात ने, आप भी इस पर रोशनी डाल सकें। ये जो 3-4 रोज पहले 3 नवंबर से एक मीटिंग हुई थी 29 अक्टूबर को, क्या उसमें एमक्यूएम से भी किसी से मशावरत की गई या उस मीटिंग में आपकी जमात का कोई नुमाइंदा था रिगार्डिंग मुशर्रफ साहब? 3 नवंबर के एक्शन के हवाले से क्या एमक्यूएम से पहले बात की गई? नहीं, ऐसी कोई मेरी नॉलेज में नहीं है, ऐसा कोई कि हमसे कोई मशवरा लिया गया हो ऐसा नहीं है। वीवर अगर आपको याद हो जब मुझे अभी क्लियर नहीं आ रहा, हम ने मेरे ख्याल में हम अगेंस्ट गए थे इसके, अगर आपको याद हो हम ने बॉयकॉट तक किया था इनके इलेक्शंस का। पहला विक्टम फारूक सत्तार था, फारूक सत्तार को उधर बंद किया था ले जाके अटक जेल में, अगर आपको याद हो। मगर पॉइंट ये नहीं है, पीछे मत जाएं, आज हम उसी मुशर्रफ से ओथ ले लेते हैं, पूरी कैबिनेट ओथ ले लेती है, सारे एग्रीमेंट्स उसी आदमी से किए जाते हैं, बाहर जाने के भी और अंदर आने के भी। ये कौन सा इंसाफ है नदीम भाई, ये क्या किया जा रहा है? ठीक है, लेकिन मैं जिस चीज की तरफ जाना ये चाह रहा था कि जनरल साहब ने कुछ चीजों के ऊपर पोजीशन लिया है कि मैंने इन लोगों से मशावरत की थी, आपकी जमात उस हमारा नाम मेरे ख्याल में उसमें नहीं है, मुझे क्लियर नहीं है नदीम भाई, मगर हमारा नाम उसमें नहीं है, और अगर हमारा नाम है भी तो बिल्कुल लेके आए, हमें भी बुलाएं, वंस फॉर ऑल ये मामला तो खत्म करें ताकि जमहूरियत के चैंपियन उभर के सामने आए। परवेज साहब आप क्या चाहते हैं? सर देखें, चैंपियंस की बात हो रही है, अब चैंपियंस वो भी थे जो उनके साथ शामिल हुए थे, उनकी कैबिनेट में थे, उनके साथ काम किया, 5 साल मौज भी आपके साथ हैं, आप वो कैबिनेट में जमहूरियत में आपके, वो एक इंडिविजुअल की बात या दो इंडिविजुअल की बात होगी, आपने तो इन ब्लॉक दोस्तों ने मतलब शामिल किया, अच्छी बात है, सियासत का वो भी एक रंग है कि आपने मिक्स करके चल लिया। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ज़ियाउलक का भी जमाना था, ज़ियाउलक का भी जमाना था ना हो, हम ये चाहते हैं जो कानून के मुताबिक हो, अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत बैटर्स को इंक्लूड नहीं किया जाए, इस कोर्ट को इख्तियार है, ये कोर्ट उसको एक्सपेंड कर ले, उनको बुला ले, हम कानून की हर बात में उसमें कोई इतराज करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है, जो अदालत चाहेगी जिस तरह वो चलेगी हम उनके साथ इंशाल्लाह पूरा कोऑपरेट जो हमारा एक्सटेंड होगा। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत को मजबूत होनी चाहिए और जमहूरियत को मजबूत स्ट्रगल करके जैसे हमने मजबूत की है वो स्ट्रगल करके आना ज्यादा एक अच्छा तरीका है। क्योंकि ये बहुत अच्छे मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, उनके लिए बड़ा एहतराम है, इन्होंने एक बात जरा गलत कर दी है, वो जरा मैं दुरुस्ती कर दूँ, पूरी कौम सुन रही है, इंडिविजुअल नहीं है, इक्का दुक्का और कोई चुराते हैं, आपने पूरी पार्टी चुराई उनकी, पंजाब असेंबली में अक्सर लाए, लाट की लाट आपने उठाई, बड़े मियां साहब ने लाल किया, जो भी मुशर्रफ ने हमारी पार्टी कहा, परवेज मुशर्रफ उन्होंने कहा जो परवेज मुशर्रफ साथ गया होगा, और का ऐलान आपको याद है मियां साहब का, जिसने परवेज मुशर्रफ का साथ दिया होगा किसी को नहीं उठाऊंगा, इंडिविजुअल को छोड़ा दो, अरे आपने एग्रीमेंट किया परवेज मुशर्रफ से बाहर जाने का और अंदर आने का किया है, वजीर-ए-कानून आपने उसको बनाया, वसीम भाई वजीर-ए-कानून बैठा है अभी भी, जो बीबी के कत्ल पर जो एनआरओ बनाने वाला बैठा हुआ है आपके साथ, एनआरओ बनाने वाला आपने एनआरओ बनाने वाला कौन था यार? वजीर-ए-कानून जो बना, जाहिद साहब कानून दा आपके साथ बैठे हुए, कानून दा जो थे आपके साथ बैठे हुए, वजीर-ए-कानून सारे बैठे। मैं एक बात करना चाहूंगा कि देखिए मशावरत करना, मैं आपसे किसी चीज की मशावरत करता हूं और उस मसले पर आप या तो उसके हक में राय दे सकते हैं या उसकी मुखालफत में भी राय दे सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि अदालत के सामने हकायक पेश किए जाएं,
और वो उस बात का तयन करें। अब फर्ज करें वो कहें कि शौकत अजीज ने ना कर दी थी, शौकत अजीज कहें कि जी मैंने तो, उन्होंने मुझसे मशवरा किया था, मैंने कहा था कि ये कदम ना उठाएं, मैं बात कर रहा हूँ। जो उनका खत का हवाला दिया जाता है ना शौकत अजीज का, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं और है कि आप उठें और इमरजेंसी लगा। मशवरा करना जो है वो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, सिर्फ मशवरा करने पर आप एक जिम्मेदारी का तयन नहीं कर सकते। मतलब ऐसे मुजफ्फर साहब का भी कहना यही था सर, ये इंतकाम पे मबनी है नदीम भाई, सिर्फ इंतकाम पे मबनी है और कुछ नहीं, बायसनेस है ये। लेकिन फिर वसीम साहब बैटर्स को तलब तो करना चाहिए ना, फिर इंसाफ तो तभी होगा कि सारे बैटर्स बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, मर्द यहां बने ना, वो लोगों को मर्द बनने की वो कर रहे हैं नसीहत, खुद मर्द बने, सारों को ले आए, कियानी को भी ले आए, चीफ जस्टिस वाले को, इफ्तिखार को भी ले आए, सबको ले आए, एमक्यूएम को ले आए, मर्द बने। अब आप तो अदालत ने बुलाना, मर्द बने, अब तो अदालत ने बुलाना है केस तो। वो आपने जो करना था वो तो कर लिया भाई, आपको और मुझे जो नून ने करना था वो कर लिया। नहीं नून, आपका जुडिशरी से तो बहुत अरसे से इस्तेमाल है आपका, वो तो हमें ही पता है बनती थी, मगर हमारा पॉइंट ये है कि जब आप उस आदमी से ओथ ले सकते हो, जब आप उस आदमी से एग्रीमेंट कर सकते हो अंदर आने का बाहर जाने का, तो फिर वो आज खटक रहा है आपको, सिर्फ यही नजर आया था, ये बायसनेस है। उसको अगर लेना है तो पूरा आर्टिकल 6 इन्वोक करें, पूरा 6 आर्टिकल इन्वोक करवाएं, जोर दें। सर अब तो अदालत ने करना है, अब तो केस सब जुडिस है अदालत में, वो तो मुझे भी पता है, वो तो मुझे भी पता है, हमें भी पता है। अदालत ने अगर फांसी दे दी, अगर अदालत ने फांसी दे दी मुशर्रफ को, तो वो इंप्लीमेंट करा लेंगे, बाकी अदालत बाकी जो फांसी के ऑर्डर बैठे लेके उसका क्या करेंगे? नहीं, उम्र कैद दी या सजाए मौत, उसमें तो और सजा कोई नहीं है ना, अदालत अगर सजाए मौत अदालत पेश नहीं कर सकते, अगर मौत दे दी तो कैसे इंप्लीमेंट कराओगे? लीगल के तहत जाना है, अदालत लीगल के तहत जाना है, प्राइम मिनिस्टर बाकी जो आपके पास बैठे हैं ऑर्डर रखे हैं उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते? वसीम भाई और मुशर्रफ साहब मेहरबानी, आपके पास ऑर्डर में आ गए, ये तो उनको अदालत में नहीं पेश कर सकते, वहां से क्या देंगे? नहीं हमने हमने किया ना जी, प्लेंट किसने की को बाहर से आगे कर गया, हमने किया ना, ये तो उन्होंने मेहरबानी केस तो हमने ही फाइल किया है, उसकी कोई क्रेडिट ला सकते थे? नहीं बहरहाल ये पीपल्स पार्टी वो से आपका मकसद आपने पूरा कर लिया, वो सवाल पूछे नहीं जवाब, और पहली दफा हुआ है, मैं कहता हूँ, पहली दफा मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, अगर उस वक्त की अपोजिशन ने कोई मुशर्रफ उस आमिर की जिंदगी तंग कर दी हो, कोई आग लगा दी हो मुल्क में, और उस तहरीक के जमाने में हमने कोई मसलत की है, तो हम कौम के गद्दार हैं। लेकिन अगर ये मुफाहमत करके सारे के सारे कुछ भाग गए, कुछ यहां माफिया मांगे घरों में बैठ गए, तंग करके उसको फिर एक सियासी पार्टी को कड़ी भी गोली निकलनी पड़ती है, अपने पर गालियां बर्दाश्त की, मुल्क को इस भंवर से निकालना था, और ये कमाल बेनजीर का मर्डर चार्ज है उनके ऊपर आपके, अब आपकी जमात 5 साल के बाद केस में फ्री बनी है, 5 साल बाद 5 साल आप हुकूमत में बैठे रहे, कोई हुकूमत मजे हम वो मजा था, आप हुकूमत जाने के मजा था, आप हुकूमत जाने के बाद साफ करें, आप अपने कबीले को देखें, हमें मजे के लिए छोड़ा था एक दिन, ये तो आप इनको देखें, देखिए सुन तो ले, फिर अदलिया को देखें, वजीर आजम को तलब, ऐसी कभी 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 तपेदार को नहीं बुलाते थे जनाब, यहां वजीर आजम पेश हो रहे थे, हमने एक आगाज किया, अपने लिए गालियां बर्दाश्त की, दर्द बर्दाश्त किया, पीपल्स पार्टी के अंदर तनकीद बर्दाश्त की बीबी की वजह से, लेकिन एक जमूर जो भुट्टो का ख्वाब जो बीबी का खाब मारे क्यों गए? अजय थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चले, एक स्टेप और आगे चले, सेनेट ने नवाज शरीफ साहब को बुलाने के लिए बकायदा रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की है, तो आपका तो वजीर आजम अदालत में चला गया था, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब सेनेट में आ जाएंगे? ये अफसोसनाक बात, मुझे क्योंकि मैं रहा हूँ उनके साथ, आते क्यों नहीं ये बता दें, मुझे एहसास है, जल्दी जल्दी मुझे एहसास है इनकी सरगर्मियों का, मसरूफियतों का, मुल्क बहरान में मसरूफ है, लेकिन ऐसे भी मसरूफ ना हो कि एक साल में जो आईनी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट और कौमी असेंबली के सामने, सेनेट के सामने आप जवाब दाए, वो आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से घबरा रहे हैं, आप सेनेट में नहीं आते, ना आप आते ना आपके लाडले बुजुर्ग आते, चंद बुजुर्ग हैं, भले इंसान हैं, हम उनको सलाम पेश करते, वो पार्लियामेंट सेनेट में आते हैं, हमें देखते हैं, आपने सेनेट का चेहरा नहीं देखा, ये कितनी अफसोस की बात है, जो कानूनी जिम्मेदारी है उसको हमने कानून पास किया है, मैं समझता हूँ, सेनेट में जाना ही ना पसंद, उसकी वजह मैं एक और जाविया आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और बड़े अदब से
मैं समझता हूं कि आज के माशरे में, आज के सियासी निजाम में जो सेनेट जिस तरह मौजूदा तरीके से तश्कील दी गई है, ये बिल्कुल ही मैं समझता हूं गैर जरूरी हो गई है, गैर जरूरी हो चुकी है। सेनेट का काम जो है वो एक रबर स्टैंप टाइप की एक इदारा है, मैं समझता हूं। हम जानते हैं कि सेनेट का जो इंतखाब होता है वो किस तरह होता है, हम सब जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं समझता हूं कि सेनेट को जमहूरी तौर पर बाकायदा, अगर उसको मौसर बनाना है, अगर उसकी रिस्पेक्ट बढ़ानी है, तो उसका बाकायदा जैसे नेशनल असेंबली के उसका होता है, इसी तरीके से सेनेटर का जो है वो बालिग राय दही की बुनियाद पर उनका इंतखाब होना चाहिए। सेनेट को आप कब से देख रहे हैं, 1973 में आपकी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो पैसे देकर इमरान खान ने स्टेटमेंट भी दिया था। जाती पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है सेनेट की तश्कील को, और मैं समझता हूं जहां इतनी अमेंडमेंट्स हो रही हैं हमारे आईन में, इसको भी गौर करने की जरूरत है। पार्टी का मौकफ होता किस तरह तो मैं तबसरा करता, किस तरह शख्सी है, मैं अफसोस ही करता जी। अब इसमें अफसोस ही कर रहे हैं, जब तक मैं कहता हूं कि ये इदारे में को मस्तर बनाने के लिए पुलिस खत्म हो गई है, जरूरी है, मुझे सब अफसोस है। वजीर आजम क्यों वजीर वाले ऐसे तोहिन करते हैं, इसलिए कि कैसे लगता है ये जरूरी है। वसीम साहब से सुन ले, वसीम अख्तर साहब को भी तो कायदा है, अब छोड़े जी, आप को भी तो कायदा है, आप क्या समझते हैं सर, कौन का इदारा है, ऐसा है तो आ जाए ना, भेजे ना, आप भी राय दे दीजिए। हमारे पुरानी अहकामात कैसे बात करूं भाई, इनको खामोश तो करा दें। वसीम साहब प्लीज, मेरी बात है, देखिए बहस हो सकती है, फिर मकसद फौत हो जाता है ना बात, अगर ये बात नहीं है, अच्छे नहीं है, आपने जहां आपकी मेजोरिटी नहीं है वहां आप जाना पसंद नहीं करते। केपीके की हुकूमत किसी और को दे दी, बलूचिस्तान की हुकूमत किसी और को दे दी, सेनेट में आपकी नहीं है मेजोरिटी, आप वहां नहीं जाओगे, आपको बादशाहत का माइंड सेट है, ये बादशाहत चाहते हैं यहां, ऑल एंड ऑल फुल फ्लेजेड, मतलब ये क्या रीत डाल दी है समझ में नहीं आ रहा। इनका फर्ज बनता है कि ये सेनेट के अंदर जाएं और जो वहां सेनेटर्स बैठे हैं, जो सवालात हैं उनको फेस करें, ये मतलब इसको खुदा का वास्ता बादशाहत ना लाए यहां, पाकिस्तान को में बादशाहत का रिवाज ना राइज करने की कोशिश करें, मुझे तो वही नजर आ रहा है सिर्फ यहां। परवेज साहब, नदीम साहब, एक तो पहले बात हुई वो भाई की, नईम भाई की जो अपनी वो राय है कि जी एक सेनेट की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जाए, मैं समझता हूँ इस वक्त सेनेट आपके छोटे सूबों को एक ताकत देती है। बिल्कुल सर, और अभी वो स्टेज नहीं है इसको डाइल्यूट करके कुछ पॉपुलेशन बेसिस पे कर लें, तो अभी तो हम, मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है। अब आपने कहा, अब हम दो दफ़ा वज़ीर आज़म पहले रहे हैं, तीसरी दफ़ा रहे, अगर कोई हमें सबक देना चाहे तो वो तो मैं समझता हूँ सबक कौम तो हमें दे सकती है, मगर कोई ऐसे आपको मिसाल खिलाड़ी देखिए, अब आप अगर किसी इंसान की है, किसी वजीर आजम साहब की अगर कोई मसरूफियत है, उस वजह से अगर वो नहीं आए, उसका मतलब ये तो नहीं है कि वावेला कर दिया जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि इसको नंबर गेम में ले दिया जाए कि जी नंबर यहाँ ज्यादा है, हम अपने हाउस में करें, नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है, हम हुकूमत चला रहे हैं, हुकूमत के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जहाँ जरूरत होती है, बाहर जाना हो, यहाँ जाना हो, किसी गरीब के घर में जुल्म होता है वहां पहुंच जाते हैं, तो ये चीजें एक साल में प्राइम मिनिस्टर के पास एक घंटा सर देखें, वो बिजी अगर रहे हैं, मई से मई आने वाले बिजी रहे हैं तो उनकी टीम चल रही है, उनके लोग काम कर रहे हैं, वजीर दाखला कोई बुलाते रहे नहीं गए, तो हालात भी आपके सामने रहे हैं कि जो वजीर दाखला की मसरूफियत का कुछ ना कुछ वजह तो आपको पता है, जहां तक मेरे तो फिर ये बात दुरुस्त कह रहे हैं, फिर इनकी बात मान लेते हैं, जहां तक मेरे इल्म में है नईमुल अजहब की बात मान लेते हैं, बरतानवी वजीर आजम जहां तक मेरे इल्म में है हाउस ऑफ लॉर्ड नहीं जाते, और गालिबन हिंदुस्तान में भी राज्यसभा में हिंदुस्तानी वजीर आजम जाकर नहीं बैठता, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस अदारे को और ज्यादा मौसर बनाने की जरूरत है, उसमें तब्दीली लाने में क्या हर्ज है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, नईम साहब आपका भी, चांदियो साहब, परवेज साहब और वसीम साहब, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ रहे आज के प्रोग्राम से, इतना ही इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।